इस खबर से कि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में हैं। बड़े इजलास, अहम मुलाकातें होंगी। ऐवान वज़ीर आला में इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला से वन ऑन वन मुलाकात होगी। गवर्नर से भी अलग मिलेंगे। मजीद जानेंगे तफसीलात शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जमान पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे वज़ीर आज़म अपनी रिहाइश गाह पर ठहरे हुए हैं। अगर आज वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से बात की जाए तो आज लाहौर में आला सतह पर जितने भी इजलास होंगे उनकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। जो वज़ीर आला अवान वज़ीर आला पंजाब का जो इजलास है उसकी भी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी की जाएगी, जिसपे उनको पंजाब हुकूमत के इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कि एंटी करप्शन, फूड अथॉरिटी और क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मनसूबे की भी ब्रीफिंग आज इमरान खान को दी जाएगी। इसके साथ साथ आज इमरान खान जो है वो अपने सूबाई वज़ीरों की कारकर्दगी का मुकम्मल तौर पे जायज़ा भी लेंगे। और इसके साथ साथ आज गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात इमरान खान के साथ इस चीज़ के भी इम्कानात हैं। इमरान खान को आए हुए अपने जमान पार्क में तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं। अब वो यहाँ पे आराम फरमा रहे थे। इस मौके पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। हत्या कि यहाँ पर एंटी राइड फोर्स के अहलकारों को भी यहाँ पर तलब किया गया था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म पंजाब वज़ीर इमरान खान जो हैं वो पंजाब इनरोलमेंट पॉलिसी का इफ्तिताह भी आज ही करेंगे। जी शुक्रिया शाहज़ेब, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में हैं। बड़े अहम इजलास और अहम मुलाकातें होंगी आज।